Assalamu alaikum, how are you? I hope you will be fine. This is Maqsood Ali, an English language teacher. I welcome you to my YouTube channel, English with Maqsood. So far, we have covered 6 tenses. We have covered present simple, past simple, future simple, present continuous tense, future continuous tense, and past continuous tense. And today we are going to cover present perfect tense. If you are new on my channel, watch my previous lectures on tenses. So let's begin the today's lecture. Before I tell you when to use present perfect tense, it would be better that we look at the formula of present perfect tense. So to form positive sentence, we need subject plus have or has plus third form of the verb plus object. To form negative sentence, we need subject plus have has plus not plus third form of the verb plus object. ओके नेगेटिव बनाने के लिए हैव या हैज लगाने के बाद हम नॉट लगाएंगे फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा जैसा कि आई हैव नॉट रेड दैट बुक ही हैज नॉट ईटन फूड इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैव और हैज को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे हैव आई रेड दैट बुक हैज शी ईटन फूड ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि हैव कहाँ पे यूज करना है और हैज कहाँ पे यूज करना है तो जब भी आपका सब्जेक्ट यानी काम करने वाला सिंगुलर होगा तो आप हैव यूज करेंगे जैसा कि ही शी इट या कोई एक बंदा हो या बंदी हो जैसा कि शी हैज ईटन फूड ही हैज ईटन फूड या फिर एक किसी शख्स का नाम ले लें मकसूद हैज ईटन फूड ठीक है ये तो हो गया सिंगुलर लेकिन आई भी सिंगुलर ही होता है आई जो यूज करते हैं हम प्रोनाउन वो भी सिंगुलर ही होता है लेकिन उसके साथ हम हमेशा हैव यूज करेंगे हैज नहीं करेंगे जैसा कि आई हैव रेड दैट बुक ठीक है आई हैव रेड दैट बुक आई हैज नहीं कहेंगे अगर आई हैज कह दिया तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी और जिसके सामने ये मिस्टेक करेंगे वो हो सकता है हम पर हंसेंगे तो हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेकिन याद रखें आई के साथ नहीं होगा यूज बाकी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ हम हैव यूज करेंगे जैसा कि दे वी या कोई दो नाम हो जाए ठीक है या यू अच्छा यू भी सिंगुलर भी है प्लूरल भी है दोनों के लिए हम यू ही यूज करते हैं फिर वो चाहे एक बंदा हो या 10 बंदे हो तो हम यू ही कहते हैं तो यू के साथ भी हमेशा हैव आता है हैज नहीं आता ठीक है इसकी आप पिक्चर लेकर अपने पास रख सकते हैं ताकि जब आपको प्रॉब्लम महसूस हो तो पिक्चर आप देख सकें और फार्मूला को रिवाइज कर सकें तो अब हम बाकायदा देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब और कैसे यूज होता है First, present perfect tense is used to indicate an action completed in immediate past. Immediate past क्या है जो अभी यानी करीबी माजी यानी जो हम कहते हैं अभी अभी आया है तो ये करीबी माजी है ठीक है इसको immediate past कहते हैं तो immediate past जब हमें show करना हो तो हम present perfect tense use करते हैं और उसके साथ हम just use करते हैं For example, She has just gone. Have has के बाद just लगाएंगे फिर third form of the verb लगाएंगे She has just gone means वो अभी अभी गई है They have just arrived. वो अभी अभी पहुंचे हैं मैंने they has कर दिया है ये grammatical mistake मुझसे typing में हो गई है typing में मैं गलतियां करता रहता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ लेकिन आप इसको अपने रजिस्टर में करेक्ट कर लें They have just arrived. ठीक है ये एस को काट के वी और ई लगा दें दे हैव जस्ट अराइव्ड वो अभी अभी पहुंचे हैं ही हैज जस्ट स्लेप्ट लेट हिम स्लीप अ लिटिल मोर टाइम वो अभी अभी तो सोया है उसको थोड़ा और सोने दें ठीक है इसी तरह से आप अपने सेंटेंसेस बनाएं कि आपने क्या अभी अभी किया है या आपके दोस्त ने या आपके घर में किसी ने ठीक है कोई भी काम होता हुआ देखें आप उस पर सेंटेंस बनाए जैसा कि आपकी मदर ने खाना बना लिया होगा या बना रही होंगी तो जब बना लें तो आप कहें शी हैज जस्ट कुक्ड उसने अभी अभी खाना बनाया है माई मदर हैज जस्ट कुक्ड फूड मेरी माँ ने अभी अभी खाना बनाया है
ठीक है, इसी तरह से आप सेंटेंसेस बनाए और प्रैक्टिस. सो लेट्स गो टू सेकंड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट विद नो स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड. माजी में कोई काम जो हमने मुकम्मल कर लिया हो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, लेकिन उस काम के साथ कोई खास टाइम का जिक्र ना हो. ठीक है, देखें है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये काम जो होते हैं इसके तकरीबन पास्ट के ही होते हैं. यानी परफेक्ट क्यों कह रहे हैं हम, परफेक्ट मीन्स मुकम्मल. ऐसे काम जो हमने मुकम्मल कर लिए हैं और उसका स्पेसिफिक खास टाइम भी हमें नहीं पता, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे. लेट्स सी एग्जांपल्स. आई हैव विजिटेड टर्की ट्वाइस, मैं दो बार तुर्की जा चुका हूँ. ठीक है, अब वो कब गया है ये नहीं पता. देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम मेंशन इन सेंटेंस. हैव यू वॉच्ड दैट मूवी, क्या आपने वो मूवी देखी है. इसमें भी देखें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये नहीं मेंशन किया गया कि आपने वो कब देखी है. ठीक है. नंबर थ्री, आई हैव टॉक्ड टू देम अबाउट दिस प्रॉब्लम, मैंने उनसे इस मसले के बारे में बात की है. ठीक है, कब बात की है ये मेंशन नहीं है. ऊपर डेफिनेशन देखें, यही है कि कोई ऐसा काम जो आपने मुकम्मल कर लिया है और उसका कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें. इसी तरह से आप पांच सेंटेंसेस बनाएं कि कौन कौन से काम आपने किए हैं. फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस आप बनाएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने क्या किया है. ठीक है, उसके बाद जिंदगी में आपने क्या किया है. इसी तरह से कोई भी एक टॉपिक लें, उस पर 5-10 सेंटेंसेस बनाएं. लेट्स मूव टू द थर्ड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज to talk about completed action in past whose effects are still visible in present. Present perfect tense ऐसे काम के लिए भी इस्तेमाल होता है जो माजी में मुकम्मल हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट या नतीजा प्रेजेंट में हमें नजर आ रहा हो. लेट्स सी एग्जाम्पल सेंटेंसेस एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे. Somebody has eaten all my biscuits. किसी ने मेरे सारे बिस्किट्स खा लिए हैं. ठीक है, माजी में किसने ये काम किया बिस्किट खाने का और उसका इफेक्ट क्या है. प्रेजेंट में मेरे पास बिस्किट ही नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने किसी जार में बिस्किट रखे, वो किसी ने खा लिए, तो मैं जब जार देखूंगा कहूंगा समबडी हैज ईटन ऑल माय बिस्किट्स, किसी ने सारे मेरे बिस्किट खा लिए. तो किसी ने बिस्किट खाए माजी में और उसका रिजल्ट या नतीजा जो अब मुझे नजर आ रहा है जार में बिस्किट नहीं है. ठीक है, इसी तरह नंबर टू पे देखें, इट हैज रेन्ड लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात बारिश हुई है. प्रेजेंट में हमें इफेक्ट नजर आ रहा है कि बाहर रोड गीला है, तो हम कहेंगे रात बारिश हुई है. ठीक है, बारिश रात हुई, अभी नहीं हो रही, लेकिन उसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में नजर आ रहा है. नंबर थर्ड पे देखें, आई हैव ब्रोकन द कप, मैंने कप तोड़ा है. कप मुझसे माजी में टूटा लेकिन उसके टुकड़े फर्श पे पड़े हुए हैं और मेरी वालदा देख लेती हैं, कहेंगी हु हैज ब्रोकन दिस कप, ये कप किसने तोड़ा है. तो मैं कहूंगा आई हैव ब्रोकन द कप, कप तो माजी में तोड़ा था लेकिन उसका इफेक्ट अभी मौजूद है. उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप. नंबर फोर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट एक्शन और स्टेट दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट. ये बहुत दिलचस्प है कि माजी में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट तक वो जारी है, इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ठीक है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट तक जारी है. फॉर एग्जांपल आई हैव बीन एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर 5 years, मैं 5 साल से इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ. यानी माजी में काम शुरू किया, अभी तक काम जारी है. डेफिनेशन भी यही है ना, ऊपर देखें आप. नंबर टू पे देखें, वी हैव नोन ईच अदर सिंस 2015, हम एक दूसरे को 2015 से जानते हैं. यानी हमारी जान पहचान का आगाज हुआ 2015 में और आज प्रेजेंट में भी वो जारी है. ऐसा नहीं कि अब हम एक दूसरे को भूल गए हैं, इसका मतलब है हम 2015 से एक दूसरे को जानते हैं. थर्ड,
She has been ill for 2 weeks. वो 2 हफ्ते से बीमार है. She has been ill for 2 weeks. वो 2 हफ्ते से बीमार है. यानी उसके बीमार होने का अमल 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था और प्रेजेंट में यानी अभी भी वो बीमार ही है. ठीक है, तो कोई काम जो माजी में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके साथ हमेशा हम टाइम मेंशन करते हैं. टाइम मेंशन करेंगे तो पता चलेगा ना माजी में कब काम शुरू हुआ था और अभी तक वो जारी है. तो टाइम मेंशन करने के लिए हम सिंस और फॉर यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ. अच्छा, सिंस और फॉर में बहुत से लोग गलतियां करते हैं. इसको आप अपने पास लिख लें. सिंस के बाद हम वो टाइम लगाएंगे जब काम का आगाज हुआ, जैसा कि सिंस 2015 2015 से, यानी आगाज का टाइम बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. ठीक है, वी यूज सिंस व्हेन वी वांट टू मेंशन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. समझ आया? जब स्टार्टिंग पॉइंट हम बताना चाहें तो हम सिंस यूज करेंगे. लेकिन अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ना बताना चाहें लेकिन ओवरऑल कितना टाइम हो गया है उस एक्शन को वो बताना चाहें तो फॉर यूज करेंगे. जैसा कि फॉर 5 years यानी 5 साल से. एक ओवरऑल मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि मैं 5 साल से टीचर हूं. और अगर मैं कहता सिंस 2015, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन उसमें मैंने कैलकुलेट करके आपको टाइम बता दिया है. अगर सिंस 2015 में कहता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता. ठीक है, तो सिंस प्लस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन एंड फॉर प्लस ओवरऑल टाइम ऑफ एक्शन. एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाते हैं, शी इज इल फॉर 2 वीक्स. तो ये जुमला गलत होता है. शी इज इल फॉर 2 वीक्स का मतलब ही अलग है. शी इज इल फॉर 2 वीक्स का मतलब है वो 2 हफ्ते के लिए बीमार है, यानी अब बीमार हुई है और अगले 2 हफ्ते तक ये काम जारी रहेगा, यानी प्रेजेंट से फ्यूचर तक काम जारी रहेगा. लेकिन शी हैज बीन इल का मतलब है माजी से काम शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक जारी है. तो इसका ख्याल रखें आप. ये बहुत सी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स जब भी मैं उनकी इंग्लिश चेक कर रहा होता हूँ. सो दिस वॉज द लेक्चर फॉर टूडे. इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन आई अपलोड अ न्यू लेक्चर यू विल गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल. And I upload lectures on regular basis. So see you next lecture with another interesting topic. Till then, bye-bye. Allah Hafiz.